हे गाइस, सो मुझे अभी टैक्सी मिल गई है और मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ। अपना सामान मैंने पैकेज अंदर रख दिया है कि डिक्की के अंदर। और ये जो ड्राइवर भाई साहब, ये हैं पाकिस्तान से। भाई साहब, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो यार। भाई जान, मैं गुजरात से हूँ और मैं अभी यहाँ पे टैक्सी चला रहा हूँ, साथ में अपनी जिसको कह लेना नेक तमन्नाएं और दुआओं के साथ भाई को रुस्कत कर रहे हैं। तो भाई जो है इंशाल्लाह जाके अपना जो है ना फैमिली सेटअप कंप्लीट करें। सो ये भाई साहब हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के गुजरात से, और इन्होंने मुझे एयरपोर्ट छोड़ने का बीड़ा उठाया है। सो गाइस, मैंने चेक इन कर लिया है एंड मैं जा रहा हूँ अपनी फ्लाइट की ओर। और मेरा जो लगेज था उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे मानो कि डबल हो गया था। तो बहुत पापड़ भेल के और दो दोस्त मिल गए थे, दोस्त तो कहते हैं मतलब ऐसे मुसाफिर मिल गए थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया और थैंक यू सो मच उनका, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी यूनिक ये थी कि पासपोर्ट लगाओ और जैसे ही आपका फ़ोटो, आपका फेस का फ़ोटो और पासपोर्ट का जो फ़ोटो है वो मैच हो जाता है, फिर आपके लिए जो ग्रीन सिग्नल से डोर ओपन हो जाते हैं। अगर मैच नहीं होता है या कुछ इशू होता है तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। अभी मैंने लगेज अपना रख दिया है, चेक इन वगैरह हो गया है, बोर्डिंग पास हो गया है और सारे तरह की जो प्रोसेस है वो सारी कंप्लीट हो गई है। अब सो गाइस, फ्लाइट के अंदर जाने की एंट्री स्टार्ट हो गई है और यू कैन सी कि क्यू लग रही है, एक लंबी लाइन लगी हुई है। और जैसे ही मेरा नंबर आएगा मैं भी चला जाऊँगा और वेट करना पड़ेगा उसके लिए, और वेट करते हैं। गाइस, फ्लाइट में जाने का सारे प्रोसेस हैं वो पूरे हो गए और मैं अभी फ्लाइट के अंदर एंट्री करने वाला हूँ। ये जो आप फ्लाइट देख रहे हो विस्तारा की, यही मेरी फ़्लाइट है। ये जाएगी मुंबई यहाँ से, और मुंबई से फिर मैं जाऊँगा अमृतसर। यहाँ पर एंट्री कर गए हैं और ये मैडम हैं जो वेलकम कर रही हैं। सो फाइनली मैं अभी पहुंच गया हूं मुंबई एयरपोर्ट पे, और कानों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत थकान हो रखी है एंड वेट कर रहा हूं अपने टाइम का। अभी मेरे पास बजे हैं रात के 3 और फ्लाइट है मेरी 5:30 बजे। थोड़ा और वेट करते हैं। तो फाइनली मैं घर पे पहुंच गया हूँ। ये है मेरी छोटी सी प्रिंसेस मुस्कान।
और ये चिल्लर पिल्लर पार्टी, इनको पता नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन भनक लग गई थी घर वालों को तो, क्योंकि मेरी ही गलती थी क्योंकि मैंने लोकल नंबर से कॉल कर दिया था। और पिल्लर पार्टी हमारे घर की, वो अभी सारे इकट्ठे हैं, और एक छोटी सी गुड़िया, इसने मेरे लिए केक अरेंज किया है। से हाय। हाय। और इसने केक लेके आई है, ये वाला क्या क्या है इसके अंदर बताओ, बोलो क्या क्या है। इंडिया का है और दो टेंचेस है, एक पासवर्ड है। वेलकम, इस पे लिखा है वेलकम वीर जी। इसमें इसने झंडा लगा रखा है, एरोप्लेन बना रखा है, और लगेज ट्रॉली है, पता नहीं क्या क्या है। सो गाइस, ये है मेरी मम्मी, मेरी माँ, और ये मेरी बड़ी सिस्टर, और ये है मेरी मासी जी, और ये मेरी भाभी जी, और कौन रहेगा, ये मेरी छोटी दीदी, और बाकी ये सब चिल्लर पार्टी है। हेलो हेलो करो रे, हेलो हेलो करो। ये मेरी मामी जी, फेवरेट मामी जी। ओके ओके। ये मेरे जीजा जी। हैप्पी बर्थडे तालियां बजा, इनको कहना था तालियां सी, ले थोड़ा सा खा। ऐ शाबाश, ले ना।